10 साल तक ये सोनिया मनमोहन सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए कितना पैसा दिया? भाई अकोला वालों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा बोलो भाई, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं, मैं दे देता हूं उनका और हमारा दोनों का हिसाब। दे दू ना? पक्का? तो ध्यान से सुनिए, 10 साल में सोनिया मनमोहन ने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया था, 1,91,000 करोड़, और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,91,000 के सामने 7,15,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने का काम। इसके अलावे 2,90,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 75,000 करोड़ सड़क निर्माण के, 2,10,000 करोड़ रेलवे के विकास के लिए और 4,000 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम किया। और हमारे देवेंद्र जी ने इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र को भारत में नंबर 1 बनाने का काम किया है, नंबर 1।